वहाँ पे जगह नहीं थी जो कटर लगाने की, वो ट्रैक्टर से उसको अब हमारा कटर एक जो पलट चुका है उसको हम देखते हैं सीधा करके भी हो। यहाँ से दूसरा जो बंदा था उसके वो हार्वेस्टर मोड़ रहा था भाई, उसने नीचे उतार बैठा हार्वेस्टर को, जहाँ इस हो चुका है टोचन कनेक्ट, तो ये वो अभी खींचेगा भाई, तो देखते हैं खींच पाता है। हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज फिर से खेलने वाले हम फार्मिंग यूएसए 2। तो भाई आज खेलने वाले हैं फार्मिंग यूएसए 2 हम मल्टीप्लेयर, और आज हम काटने वाले हैं इसमें ब्रेलियन। तो हमारे पास जो स्ट्रॉ नहीं है हम स्ट्रॉ भी निकालेंगे आज। तो हम तो दो जन है मल्टीप्लेयर, तो यहाँ पर हम हार्वेस्टर जहाँ पर लगाई हुई है तो यहाँ से हम हार्वेस्टर खड़ेंगे और जल्दी जल्दी से इनको कनेक्ट करेंगे, कटर जो इनके हैं। तो अभी उसको आने दो, वो अभी हार्वेस्टर वो निकालेगा बाहर, तो फिर हम निकलेंगे बाहर, तो फिर हम काटेंगे गाइस ब्रेलियन। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बीच में से छोड़ के मत जाना। तो यहाँ से गाइस हमने शेड के अंदर लगा कर रखी है हार्वेस्टर कंपाइन जो हमारे, तो गाइस हमने जो हार्वेस्टर बाहर निकाल ली है तो वहाँ से गाइस रास्ता नहीं है जो ना आगे जाने के लिए, तो मैं इधर से अब घुमा के खड़ूँगा। तो एक हार्वेस्टर और है वो भी लेकर आएंगे हम, पहले इन हार्वेस्टर को लगा देते हैं। तो हमने जो मैंने ब्रेलियन जो शीडिंग की हुई है, तो एक नंबर फील्ड और दो नंबर फील्ड और सात नंबर फील्ड और ये तीन नंबर फील्ड पे भी है और पाँच नंबर और चार नंबर फील्ड पे भी है। तो ये सारा गाइस आज हम काटेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना गाइस। तो भाई आज दो जने हम मल्टीप्लेयर पे, एक भाई को मैंने और पूछा था कि वो उसका भाई टाइम नहीं था, तो नहीं तो हम तीन जने हो जाने थे, तो फिर भाई बहुत ज़्यादा काम हो जाता। वैसे हम भाई एक हार्वेस्टर लगा सक और दूसरा हार्वेस्टर पे लगा सकते हैं गाइस हेल्पर। तो यहाँ पे गाइस वो एक भाई वहाँ पे जो कटर निकाल रहा है वो वहाँ पे कटर उसका फंसा हुआ हार्वेस्टर का, मैंने वहाँ पे नीचे लगा कर रखा हुआ था, जो हमारी वहाँ पे जगह नहीं थी जो कटर लगाने की, वो ट्रैक्टर से उसको अब डालेगा निकालेगा बाहर और फिर हार्वेस्टर के पीछे डालेगा। तो हम उतनी देर यहाँ से उसको काटते हैं, तो यहाँ से करेंगे कटर नीचे। और भाई ये देखो हमें पहले इसका जो कटर है वो ऊपर नीचे करना पड़ता है। ये देखो किसी किसी को भाई पता नहीं होता कि भाई जो हमारी हार्वेस्टर काट नहीं रही, तो अगर किसी को पता होता है ये ऊपर नीचे करने का फिर वो कटर नहीं ऑन करता, यहाँ से हमें कटर ऑन करना पड़ता है। फिर कटर ऑन हो जाता है जब, फिर हम इसको आगे तोड़ेंगे तो ये फिर भी नहीं काटती। जो हमें जो हमारा होता है यहाँ पे गैस रेस को आगे पीछे करने वाला, इसके ऊपर जहाँ पे खरगोश की ऑप्शन बनी है इस पर लगाओगे ये फिर कछुए की हो जाएगा, यानी कि लो गियर में हो जाएगी और फिर जो हमारी हार्वेस्टर फिर काटना शुरू कर देगी। यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमें आज ये स्ट्रॉ भी निकालना है, तो हमारे जो डेयरी फार्म पे स्ट्रॉ जो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो ये यहाँ पे हम काटने लग गए गाइस सात नंबर खेत में जो फील्ड में हम ब्रेलियन काट रहे हैं। तो वो भाई अभी उसके पूछ लेते हैं, भाई निकल गया कटर कटर चक्कर दूसरा ट्रैक्टर ले गए हमें, भाई उससे कटर निकल नहीं रहा बाहर। तो हम यहाँ पे इसको हेल्पर को हटाते हैं और देखते हैं क्या चक्कर है। तो यहाँ पे हम हमारे पास कोई ट्रैक्टर यहाँ पे कौन सा है, ये वाली हार्वेस्टर कौन सी है, ठीक है ये वाली हार्वेस्टर में आते हैं। ये च मक्का ही, इस हार्वेस्टर में मक्का है, इसको खाली करना पड़ेगा, ये काटेगी नहीं ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रॉली भी, ट्रॉली ले आया, ट्रॉली ट्रॉली ले आया, ट्रॉली ट्रॉली काटने वाला लंटर ट्रॉली डेयरी फार्म थे यहाँ आगे करे। तो भाई यहाँ से हमें इसका जो ये भी
अगर हमने दाने डालने हैं ट्रॉली वगैरह में, तो ये भी हमें ही करना पड़ता है, ऑन ऑफ इसको फोल्ड और अनफोल्ड हमें ही करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम गए, कोई ट्रैक्टर में मिल नहीं रहा है, तो ये भी डेयरी फार्म पे है गाइस ट्रैक्टर। तो ये वाला ट्रैक्टर कहाँ पे है, ये वाला ट्रैक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? ठीक है, इसको ले चलते हैं। ठीक है भाई, तो इसके आगे क्या लगा हुआ है? ओह भाई, कैमरा ही लगा कैमरा। तो पास ही में गाइस इसको मैं लेकर चलता हूँ। ठीक है, हमारा कटर एक जो पलट चुका है, इसको हम देखते हैं सीधा करके भी हो कर पाते हैं हम सीधा। तो गाइस हो गया फाइनली। तो भाई ऐसे कंट्रोलर चाहिए फार्मिंग से ऑटोमेटिक में, जहाँ देखो हमें लोडर जो ऊपर नीचे करने के लिए जो ऑप्शन दी हुई है, जैसे जेसीबी पे और लोडर पे होता है ऊपर नीचे करने की, तो वैसे ऑप्शन दी हुई है। तो यहाँ पे गाइस हम इस ट्रैक्टर को ले आए, जॉन डियर के ट्रैक्टर हैं। तो कटर निकाल कर बाहर, तो फिर गए हम जो दूसरी हार्वेस्टर भी लेंगे। तो अभी वो हार्वेस्टर वहाँ पे भाई चला रहा है। तो भाई इसमें जो मल्टीप्लेयर है ना, जो हमारा मल्टीप्लेयर का जो प्लेयर होता है, वो देखो कैसे बर्फ़ का गोला होता है। यही थोड़ा सा इनको अपडेट तो इन्होंने दिया है, अपडेट में ये भी देना चाहिए था भी जो मल्टीप्लेयर का जो प्लेयर है वो बिल्कुल जो होता है जैसे प्लेयर होता है फार्मिंग सिमुलेटर 20 में या 19 में वैसे होता। तो यहाँ से देखेंगे अब होता है कनेक्ट के नहीं। तो भाई ये कनेक्ट क्यों नहीं हो हेलो रहा? हाँ भाई हो गया कनेक्ट। तो यहाँ पे भाई हमने कटर यहाँ पे लगा दिया था नीचे, तो हमें इसको मोड़ कर लगाना पड़ेगा उधर को। भाई वो ट्रॉली जो बहुत ही ना हो, मतलब कि उस ट्रॉली का जो वजन ही नहीं है इतना, तो वो ऐसे पलट पलट ही जाती है कभी, वो ऐसे ऐसे नाच करती है। तो यहाँ पे गाइस हमारी गेम सेव हो रही है तो हो गई। तो अभी यहाँ पे हम इसको कटर को इसके पीछे डालेंगे, जो भी कलर की ये ग्रीन कलर की है, एक रेड कलर की है और एक येलो कलर की है। तो इसको यहाँ पे उतार देते हैं, जल्दी से चलते हैं हार्वेस्टर में। तो इसको कनेक्ट करके हम यहाँ पर दो नंबर फील्ड में लगा देते हैं इस वाली हार्वेस्टर को। तो जो कभी कभी भाई किसी को प्रॉब्लम ये भी आती होगी, इसके जैसे हमने इसके ऊपर लोड किया है कटर को, इसको जहाज बोलते हैं पंजाब में, तो इसको जहाज बोलते हैं वैसे हम तो इसको यहाँ इसके ऊपर जो रखना होता है, तो आप कहीं पे भी खड़ सकते हो। ऐसे आपको प्रॉब्लम आती है अभी कहीं कहीं भी, आप इसको जो कटर को ऐसे कनेक्ट करके हार्वेस्टर पे कहीं खड़ नहीं सकते हो आप। ठीक है भाई, डीजर का भाई यहाँ से दूसरा जो बंदा था उसके वो हार्वेस्टर मोड़ रहा था भाई, उसने नीचे उतार बैठा हार्वेस्टर को, यहाँ पे नीचे गिर चुकी है जो खड्डा जो बहुत ही गहरा है। तो यहाँ से हम टोचन पाकर इसको बाहर निकालेंगे गाइस। तो वो ट्रैक्टर लेकर आ रहा है और वो टोचन पाएगा फिर इधर पिछली साइड, पिछली साइड बैक साइड। वो गाइस जो इसका हार्वेस्टर को टोचन है वो बैक साइड डालना पड़ता है भाई, पिछली साइड लास्ट के बैक साइड हार्वेस्टर के। तो भाई जो हमारी हार्वेस्टर ऐसे नीचे नीचे तो चल चल जाएगी, पर ये देखो गाइस ऊपर नहीं चढ़ सकती है, चाहे बहुत ही ऊंचाई यहाँ पे देख सकते हैं आप गाइस, जो कि ऊंचाई बहुत सारी ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक है, ट्रैक्टर ले लो ना, ट्रैक्टर उतर रहे थे वो भाई, ट्रैक्टर भी नीचे ले आया और जल्दी से नीचे रहा कर, नीचे अगर रस्सा डाल टोचन। तो हम भी देखते हैं गाइस वो ट्रैक्टर भी, ट्रैक्टर कहाँ पे है। तो यार जल्दी जल्दी हम उस ट्रैक्टर पे बैठते हैं और हम भी जो भी रस्सा डालेंगे इसको गाइस हार्वेस्टर को, क्योंकि भाई अगर जो मल्टीप्लेयर होता है वो अपना रस्सा डाल लेता है, उसका रस्सा जो उसने रस्सा डाला हुआ है वो हमें नहीं दिखेगा, जो हमने डाला है वो उसको नहीं दिखेगा। तो यही भाई प्रॉब्लम है इसमें।
यहाँ पे इसको हम यहाँ से रस्सा डालेंगे। ये एक बार फिर से हमें नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो प्लेयर है वो ऊपर नहीं आता था। तो यहाँ पे गाइस हो चुका है टोचन कनेक्ट, तो ये वो अभी खींचेगा भाई, तो देखते हैं खींच पाता है। वैसे भाई इस वाले ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, यहाँ से हम इसको करते हैं ऐसे, तो अभी वो खींच रहा है हार्वेस्टर को, तो पूरे जोर लग रहे हैं गैस ट्रैक्टर के। उसने भाई ट्रैक्टर जो वो भी नीचे उतार लिया था, ट्रैक्टर का भी जोर जोर लग नहीं रहा है पूरे अच्छे से। तो हार्वेस्टर को देखो भाई, झोंके मार मार कर खींच रहा है ट्रैक्टर, पूरा जोर लग रहा है गैस उसका। तो एक बार गैस ट्रैक्टर ऊपर हो गया तो फिर तो भाई ये निकल जाएगा। तो फाइनली ये जो ट्रैक्टर है वो ऊपर चले गया है। अभी भाई उसका जोर लग रहा है ट्रैक्टर का पूरा, तो देखते हैं गैस निकाल पाता है कि नहीं। वो भाई ट्रैक्टर आगे से उठ रहा है यार, ट्रैक्टर के पूरे जोर लग रहे हैं। तो हम आचा हम देखेंगे गैस, तो बीच बह दे, हम ऊपर आकर देखेंगे गैस व्यूज़ कैसा है इसका, कैसा जोर लग रहा है इसका जो ज़बरदस्त। तो सूरज भी निकल आया है गाइस, कि पता नहीं शाम हो रही कि सूरज निकल रहा है अभी, ये भी नहीं पता। तो यहाँ पे भाई ट्रैक्टर जोर मार रहा है, हेल्प जो हमारा मल्टीप्लेयर हेल्पर है वो भी जोर मार रहा है, तो निकाल नहीं पा रहे हैं गाइस, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार हम देखते हैं तो निकाल पाते हैं कि नहीं। भाई मार दिया जो ट्रैक्टर ने और निकल गई हमारी हार्वेस्टर बाहर गाइस। ओ भाई अभी पूरे जोर लग रहे हैं ट्रैक्टर के पूरे दासू, और हार्वेस्टर का हमारा इस वाला टायर जो ऊपर को उठा हुआ है गाइस। अभी भी भाई हार्वेस्टर पूरी की पूरी जो हमारी बाहर नहीं हुआ है ये। तो गाइस यहाँ से हमारी हार्वेस्टर बाहर निकाल कर हम फिर खेत में ले चलेंगे, और फिर हम आपको दिखाएंगे पूरा खेत जो काट कर। फिर मिलते हैं गाइस आपको, जो हमारी हार्वेस्टर है वो बाहर निकल चुकी है फाइनली। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हमारी हार्वेस्टर बाहर आ चुकी है। ओके गाइस, तो हमारी जो बेलिन ये वाला फील्ड नंबर 3 काटने वाला रह गया है, इसको काट के हम बाद में इसका जो स्ट्रॉ निकालेंगे वो अगले गेम प्ले में निकालेंगे हम। इसके जो हमारे पास जो स्ट्रॉ की राउंड है वो हमारे पास नहीं है, डेयरी फार्म खड़ेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट गेम प्ले में, और आज का गेम प्ले इतना ही, बस ये वाला खेत काटने वाला रह गया है। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।